आज मंगलवार का कुछ लोग व्रत रखते हैं, आप व्रत रखते हैं हनुमान जी का, हनुमान जी आपकी कामना पूरी करें। हनुमान जी को आप मंगलवार के दिन चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, और सिंदूर जो वहाँ मंदिर के पुजारी हैं उनको सिंदूर समर्पित कर दीजिए, वही सिंदूर चढ़ाएं, आपका सिंदूर हनुमान जी चढ़ाएं, आपके वस्त्र को हनुमान जी स्वीकार करें, और हनुमान जी को मंगलवार के दिन बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। तो हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाकर जब सबको आप प्रसाद बांट दें, उसके बाद वो प्रसाद यदि हनुमान जी के मंदिर के बाहर कोई स्वान आपको मिल जाए, स्वान मतलब कुत्ता, तो उस कुत्ते को दो चार लड्डू आप ज़रूर खवाइएगा। कहते हैं कि हनुमान जी को भोग लगाने के बाद यदि वो प्रसाद सबको बांटा जाए और विशेषकर उस कुत्ते को, मतलब जीव जंतुओं को, एक लड्डू फोड़कर पास में कोई पेड़ पौधा है, क्यारी है, तो वहाँ पर एक लड्डू तोड़ कर ना चींटियों को भी डाला जाए, तो वो चींटी जब आपके हनुमान जी को उस प्रसाद का भोग लगाएगी, वो कुत्ता जब खाएगा, तो आपके जीवन में जो आने वाला संकट है, जब वो कुत्ता उस लड्डू को पचाएगा, तो आपके जीवन में आने वाला संकट टल जाएगा। ये हनुमान जी की विशेष पूजा में लड्डू का भोग लगाकर इनको बांटने की ये विशेषता है। तो आप निश्चित हर मंगलवार को ये कार्य कर सकते हैं, एक लड्डू चींटियों के नाम और एक कुछ लड्डू स्वान के नाम कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में आने वाला कोई भी संकट हनुमान जी की कृपा से टल जाए। और देखिए, ये बेसन के लड्डू अन्न ही तो है, अन्नदान, कुल मिला के आपके द्वारा जब वो लड्डू खाएगा ना स्वान, तो कितना आशीर्वाद देगा। हम सनातनी हैं, प्रत्येक जीव का आशीर्वाद लेते हैं उनकी सेवा करके, और वही आशीर्वाद हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो आप हनुमान जी से बहुत कुछ सीखे होंगे, चोला चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी के मंदिर में सुंदर सी ध्वजा चढ़ाएं, और वही ध्वजा चढ़ाकर दो ध्वजा ले जाएं मंदिर में, एक ध्वजा हनुमान जी को समर्पित करें, और मंगलवार को एक ध्वजा हनुमान जी को स्पर्श करा के, उनके चरणों का सिंदूर, चरणों का स्पर्श करा के, और वो ध्वजा ला के आप अपने घर पर भी लगाएं। आपके घर पर सदा, आप लोग अपने घर पर ना जूता लटका देते हैं, जूता नहीं लटकाना, टायर लटका देते हैं, टायर नहीं लटकाना, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे, तो आपके द्वार पर, आपके घर की छत पर सदा हनुमान जी का ध्वजा लहराना चाहिए, ताकि आपकी विजय पताका सदा लहराती रहे। राधे राधे।